मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विराम चिन्ह का एक और रूप। विराम चिन्ह यानी भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम कर रहे हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। हमने पूर्ण विराम देखा यानी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह को जाना, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ता है, योजक चिन्ह कहलाता है। हमने विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में बात की जो कि आश्चर्य, भय, शोक जैसे भाव को दर्शाने में हमारी मदद करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम ऐसे विराम चिन्ह का प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं जो कि किसी एक विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने बात के द्वारा, एक वाक्य के द्वारा ये बताने का प्रयास करते हैं कि आगे विभिन्न चरणों को आपको फॉलो करना या देखना है, जब हम कहते हैं कि निम्नलिखित नियमों का पालन करना है, निम्नलिखित नियमों का पालन करना, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तो जब हम पहला वाक्य लिखते हैं कि निम्नलिखित नियमों का पालन करना है, तो उसके बाद हम एक चिन्ह लगाते हैं कि आगे के बात आगे है, नंबर वाइज हम उनको लिख रहे हैं, तो वो कहलाता है विवरण चिन्ह, जिसके द्वारा हम बताने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट, इस वाक्य के आगे उसकी जानकारी दी जा रही है, जो कंटिन्यूटी यानी कि लगातार जारी रहता है और जो बताता है कि इस वाक्य के, इस बात के, इस जहाँ विराम चिन्ह ये जो लगाया गया है विवरण चिन्ह, उसके आगे विस्तृत जानकारी दी गई है, तो विवरण चिन्ह होता है। तो सबसे पहले देखिए कि विवरण चिन्ह होता कौन सा है। तो जब हम इस प्रकार से दो डॉट के साथ ये जो डैश लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। संज्ञा के आप लिखते हैं वाक्य के या के निम्न भेद हैं, संज्ञा के निम्न भेद हैं कौन कौन से, अब उसके बाद आप लिखोगे नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर दो जातिवाचक, तो वो जब आप ऐसे करके लिखते जाओगे वो आगे की बात है, नंबर वन व्यक्तिवाचक, नंबर दो जातिवाचक। तो ये जो लिखने से पहले आपने क्या काम किया, ये चिन्ह लगाया, तो ये चिन्ह कहलाता है विवरण चिन्ह। आपने क्या कहा, संज्ञा के निम्न भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इस प्रकार से ये जो बात के लिए प्रयोग किया जाता है ये कहलाता है आपका विवरण चिन्ह, जो आपको बताता है कि किस प्रकार आगे बात कही जानी है, ये हुआ आपका विवरण चिन्ह। इसके अलावा आप इसको और इस प्रकार लिख सकते हो कि वचन के दो रूप हैं, कौन कौन से दो रूप हैं, तो आप यहां लिखोगे एकवचन और बहुवचन, एकवचन और दूसरा बहुवचन। तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि इससे आगे की आप जानकारी दो कि भाई इस प्रकार का चिन्ह लगाकर आप आगे क्या कह सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि निम्नलिखित नियमों का पालन करो, नंबर वन पहला नियम सड़क के दाईं ओर, मतलब दाईं ओर मत देखो, जाओ बाईं ओर चलो, चलते समय दोनों तरफ देखो सड़क के, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नियम को से ही सड़क को पार करो। तो इस प्रकार विभिन्न नियमों लिख रहे, तो पहली लाइन आप क्या लिखोगे, विभिन्न नियमों का पालन करो। तो ऐसे वाक्यों के लिए लिखते ना निम्नलिखित नियमों का पालन करें, और ये कहने के बाद भी आप ये योजक चिन्ह लगा रहे हो। तो इस प्रकार योजक चिन्ह का मतलब हुआ, इस प्रकार के विराम चिन्ह, सॉरी योजक चिन्ह नहीं, इस प्रकार के विराम चिन्ह का मतलब हुआ कि ये विवरण चिन्ह है जो आपको आगे बता रहा है कि उससे आगे क्या जानकारी दी जा रही है। संज्ञा के चिन्ह में कौन कौन से, वो आगे बता रहे हो इस चिन्ह के बाद। फिर आपने कहा वचन के दो रूप हैं, कौन कौन से, वो चिन्ह के बाद लगाया। फिर निम्नलिखित नियमों का पालन करें, और उसके बाद आप नियम लिख दो एक दो तीन, जो जो आपको नियम कहना है। तो विवरण चिन्ह का काम ही होता है कि उसके द्वारा आप कोई जानकारी बताएं, कोई निर्देश दें या किसी भी प्रकार की सूचना किसी को दें, बिंदुवार पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो आगे। तो ये कहलाता है विवरण चिन्ह, जो कि जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली आप परिभाषा लिखते हो, भेद लिखते हो, तो उस
नाम लिख सकते हैं। जैसे लिखते हो कि जानवरों की कई सारी प्रजातियां जंगल में थी, जैसे फिर आपने विवरण चिन्ह दिया, फिर सारों के नाम लिख दिए, तो ये विवरण चिन्ह का काम होगा। तो कीजिए इसकी परिभाषा को कॉपी में लिखबद्ध कीजिए, इसके उदाहरणों को लिखिए और किस प्रकार का चिन्ह होता है उसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे के विराम चिन्ह के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप इतने विराम चिन्हों को लिखिए और इन सबको दोहराइए, इनके नाम याद कीजिए, इनकी चिन्हों से पहचान परिचित होइए, इनकी पहचान करिए और वाक्य भी बनाइए। मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक ठीक है।